एक बार योगी जी का फेरा करा दो इजराइल में, जैसे ही योगी बाबा वहां जाके कहेंगे ना जय श्री राम, और जैसे ही इजराइल का प्रधानमंत्री कहेगा जय शिवम, उन्हें सैनिकों के अंदर बल भी आएगा, शक्ति भी आएगी। पूजा प्रार्थना ना करे, क्यों नहीं करे? तुम्हारे बाप की जगह हुआ, अरे जितना तुम्हारा हक है उस पे उतना इजराइल का भी हक है। इजराइल कर रहा आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना, सबका फर्ज है। और जो आतंकवादियों को छोटे बच्चों को थोड़ी भाई, छोटे बच्चों को कैसे पता होता है क्या बच्चा कौन है? यार तुम मेरे से वजन में भी एक तिहाई हो, मेरे को तो लड़ने का भी मन नहीं कर रहा तुमसे। साहब आया था मुंबई में, 3 साल की बच्ची ने बोला अंकल पानी पी लो, क्या पानी? उसको क्या मालूम वो लोगों को मार रहा है, उसने पानी पिलाया। वो कौन धर्म का था कसाब? आप बताइए। उसने भाई साहब मुस्लिम था, उसने भाई साहब उस लड़की को भी पानी पीने के बाद नहीं बख्शा। तुम मांग के तो देखो आजादी, इजराइल भी दे रहा है आजादी, मोदी भी देगा आजादी, योगी भी देगा आजादी। सऊदी अरब कौन सा कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। सऊदी अरब किसका साथ दे रहा है बताओ? महाराज अल्लाह नाराज हो जाएंगे। गदर 2 इजराइल में रिलीज हो गई, मैं सैनिकों के अंदर बल भी आएगा, शक्ति भी आएगी, और हर सैनिक जाके फिलिस्तीन से एक सकीना और एक मुस्कान लेकर आएगा। और जो मोदी का दोस्त है ना, जीत उसी की होगी। और अमेरिका की शिप पहुंच गई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्या लड़ाकू विमान लेके पहुंच गई है, और सुनने में आया उसमें 2 भगवाधारी भी है, क्या इंडियन आर्मी के उसमें जवान भी एयरफोर्स के। और जैसे ही उस टाइम पे वो कहेंगे ना हरे हरे महादेव, तो उसके बाद वो कहेगा ओ माय गॉड आई हैव विन दिस वॉर, नरेंद्र मोदी आई हैव योर बिग थैंक यू। इस देश में अब की बारी दिवाली में इजराइल का जश्न मनाया जाएगा, क्या इजराइल का जश्न, इजराइल की जीत का, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है। और अधर्मी अधर्मी लोगों का नाश हुआ है जिन्होंने माताओं बहनों को निर्वस्त्र करा है। मैंने एक मुस्लिम भाई से पूछा यार क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वो तो आतंकवादी है। हाँ। कह रहे भाई ऐसी बात है क्योंकि जो भी हमारे धर्म को होना चाहिए चाहे वो गलत करे चाहे सही, हम उसको अपना बाप बनाते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी और योगी जी इतना क्यों फेमस हो रहे? आज पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी है तो ना पाकिस्तान पे ना आटा है ना डाटा है, कि योगी जी हर माफियाओं के घर बुलडोजर चलवा दी है, यूपी के हर दबंगों को नानी याद दिला दी है, और जिनके नाम के दहशत थी पहले उनके सपनों में बाबा आते हैं, जो जिस भाषा में समझ सके वो भाषा उनको समझाते हैं, वनवास के बाद में फिर से रामलला को लेकर आए हैं, इसलिए मोदी योगी पूरे दुनिया में छाए। जो अयोध्या पे ज्ञान फैलते थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहाँ पे हॉस्पिटल शौचालय बनना चाहिए, अबे सुनो यरूशलम में बना दो शौचालय और हॉस्पिटल, है तुम्हारी औकात? नहीं बनवाओगे, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे पवित्र स्थल है। इसीलिए हमें दर्द हो रहा था अयोध्या पे, 22 वकील खड़े कर दिए थे कांग्रेस ने, 22 वकील अयोध्या में राम मंदिर न बन पाए, और वक्फ बोर्ड ने वकील लगा दिया था, लेकिन कोर्ट ने सच्चाई देख के उस पर फैसला सुनाया और भव्य राम मंदिर बन रहा है। इसलिए कहता हूँ जो यहूदियों का वहाँ पे टेंपल माउंट है, सबसे पवित्र उनका धार्मिक स्थल है। अगर वो मुसलमानों के बारे में बोलिए कि अलक्सा भी है, अलक्सा जो मस्जिद है उनको स्वतंत्रता है, लेकिन वो वहाँ पे कहते हैं यहूदियों आके वहाँ पे पूजा प्रार्थना ना करे, क्यों नहीं करे? तुम्हारे बाप की जगह हुआ, अरे जितना तुम्हारा हक है उस पे उतना इजराइल का भी हक है। इजराइल और यहूदियों का वो जमीन है, वो दीवाल है, वो दीवाल उनका सबसे पवित्र स्थल है। इसलिए अगर तुम्हें दिक्कत है तो वहाँ पे शौचालय बाथरूम बनवा के अपना ऐश मौज करिए। और जो इजराइल कर रहा आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना, सबका फर्ज है। और जो आतंकवादियों को छोटे बच्चों को थोड़ी भाई, छोटे बच्चों को कैसे पता होता है क्या बच्चा कौन है? यार तुम मेरे से वजन में भी एक तिहाई हो, मेरे को तो लड़ने का भी मन नहीं कर रहा तुमसे। तो पत्रकारों के साथ आप लड़ भी नहीं सकते, समस्या ही है। बात बताओ तो अब चलिए, आपने एक तिहाई की बात, साहब आया था मुंबई में, 3 साल की बच्ची ने बोला अंकल पानी पी लो, क्या पानी? उसको क्या मालूम वो लोगों को मार रहा है। भैया तुम मत बनाओ यार, ये एडिट करेंगे। 3 साल की बच्ची ने, वो कौन से धर्म की थी, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, उसके तो बेचारे माँ बाप भी मारे गए थे। वो बेचारी खड़ी हुई, उसको लगा कि पसीना आ रहा है, उसको क्या मालूम कि भैया ये आतंकवादी है, उसने पानी पिलाया। वो कौन धर्म का था कसाब? आप बताइए। उसने भाई साहब मुस्लिम था, उसने भाई साहब उस लड़की को भी पानी पीने के बाद नहीं बख्शा, तो इजराइल के उन्होंने निर्वस्त्र करके एक बहन को, हमारी आत्मा रोती है भाई साहब, हम माताओं बहनों की इज्जत करते हैं और हम रक्षाबंधन मनाते हैं। क्या रक्षाबंधन का मतलब होता है? जो धागा बांधा है ना बहन ने, उसकी रक्षा का बंधन है वो। और वो क्या कहते हैं कि भैया हमें कोई मतलब नहीं है, हमको चाहिए आजादी, तो हम दे के रहेंगे आजादी। तुम मांग के तो देखो आजादी, इजराइल भी दे रहा है आजादी, मोदी भी देगा आजादी, योगी भी देगा आजादी, क्या आजादी।
और अब तो एक आजादी में नया मुद्दा है, अब तो यूएसए भी आजादी दे रहा है। अच्छा। उसने लादेन को दे दी आजादी, उसने सद्दाम को दे दी आजादी। मानता हूं कि गलती उसकी थी, क्योंकि बच्चा भी उसी ने बनाया था उसको। ये हमें पता है, हमारे साथ दोहरी राजनीति और दोहरा चरित्र ना करो, पता हमें सब है। आप इजराइल का सपोर्ट करते हैं। अब एक बात मुझे और बताओ, बहुत अच्छी क्रिटिक बात बता रहा हूँ आपको, पढ़े लिखे पत्रकारों, सऊदी अरब कौन सा कंट्री है? मुस्लिम कंट्री। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री। क्या? मुस्लिम कंट्री। हाँ, मुझे सुनाई पड़ा है, मुस्लिम कंट्री है। सऊदी अरब किसका साथ दे रहा है बताओ? इजराइल का। ओए महाराज, अल्लाह नाराज हो जाएंगे। तो बाकी 55 मुस्लिम कंट्री तो मना कर रही है ना। अरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बाकी कब्रिस्तान जो भी है, ये जितने कहा कंट्रोल कंट्रोल काशी कंट्रोल, क्रोध को पालना सीख। नहीं पत्रकार अच्छा भाई, पत्रकार के लिए भी ताली मार। ये सर आप पत्रकार बढ़िया है, इसके मुंह से भी आ गया। मुझे एक बात, एएमयू के छात्र समर्थन देखिए। बिल्कुल सही कह रहा है भाई वो। अब योगी बाबा डंडा ऊपर करेंगे, मगर दिक्कत क्या है पता क्या? मानवाधिकार संगठन आ जाएगा। क्या? मानवाधिकार संगठन आ जाएगा। भाई साहब सुनो, देश का युवा अगर भटक रहा है, अभी उन्होंने पत्थर नहीं उठाया है, अभी समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है उनके ऊपर एकदम से कार्रवाई कर दो। कार्रवाई करो, उनको समझाओ, उनको बुझाओ। अगर ना समझ में आए तो ना तारीख ना सुनवाई। बोलो अतीक अहमद। देखिए मैं साफ तौर पर, मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। नरेंद्र मोदी और योगी जी इतना क्यों फेमस हो रहे? आज पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी है तो ना पाकिस्तान पे ना आटा है ना डाटा है। सुनिएगा, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी इतना क्यों फेमस हो रहे हैं? मैं दो लाइन कहता हूँ कि योगी जी हर माफियाओं के घर बुलडोजर चलवा दी है, यूपी के हर दबंगों को नानी याद दिला दी है, और जिनके नाम के दहशत थी पहले, उनके सपनों में बाबा आते हैं, जो जिस भाषा में समझ सके वो भाषा उनको समझाते हैं। बाबा का इज़राइल। आखिरी सर, आखिरी लाइन है सर, आखिरी लाइन आखिरी सर, आखिरी लाइन। और वनवास के बाद में फिर से राम लला को लेकर आए हैं, इसलिए मोदी योगी पूरे दुनिया में छाए हैं। बाबा का इज़राइल से क्या लेना? जैसे उसका लेना देना वहाँ था पेरिस में, पेरिस में दंगे हुए। अरे एक ही बात है यार, अंग्रेज तो मारे जा रहे थे ना वहाँ, तुम्हें भले गोरे लोगों की दिक्कत होती है। फ्रांस में हुए ना भाई साहब, उन्होंने क्या बोला? आई वॉन्ट अ बुलडोजर मॉडल। क्या? बुलडोजर। आई वॉन्ट अ योगी। क्या बोला? तो यहाँ तो बुलडोजर नहीं है, तो सीधा मिसाइल मॉडल। एक बार योगी जी का फेरा करा दो इजराइल में। एक बार। अच्छा। जैसी खबर आएगी ना, इलेक्शन योगी कभी का वहाँ ऐसी बोलते हैं, मुझे नहीं मालूम है, इतना तो मैंने भी सुना है। वो एक लड़की आती है, पत्रकार कहती है आज हमास इजराइल हमले में 10 रॉकेट पड़े, इतना तो समझ में आ जाता है। जैसे ही योगी बाबा वहां जाके कहेंगे ना जय श्री राम, और जैसे ही इजराइल का प्रधानमंत्री कहेगा जय शिवम, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्या? क्योंकि उन लोगों के भी रोम रोम में राम है। अच्छा। उनके भी कण कण में। हाँ। भाई साहब मैं तुरंत झूठ तो ही बता रहा हूँ तुम्हारे को, पता क्या कहेंगे? बोले आगे भगवादारी। अच्छा। भाई साहब इंडियन आर्मी आज भी सेवा करने को तैयार है, एक बार मोदी को मौका देके देखे क्या? अगर हमारे 100 सिपाही भी चले गए ना इजराइल की सपोर्ट करने, और एक बार जाके उन्होंने कह दिया ओए ते, और मैं तो कह रहा हूँ एक फेरा करा दो, गदर 2 रिलीज करा दो इजराइल में। अगर गदर 2 इजराइल में रिलीज हो गई, मैं सैनिकों के अंदर बल भी आएगा, शक्ति भी आएगी, और हर सैनिक जाके फिलिस्तीन से एक सकीना और एक मुस्कान लेकर आएगा। अब देखिए, अब आपकी ये दोहरी राजनीति मैं बताता हूँ, एक तरफ आप रक्षाबंधन की बातें करें, दूसरी तरफ कह रहे हैं शकीना लेके आएंगे, तो क्या दिक्कत? ये तो दोहरा, आपको कहे बुरा लग रहा है, आपको कहे बुरा लग रहा है, तो अब इसका जवाब लेना। गदर 2 का क्या मतलब? नहीं तो भाई साहब मेरी मर्जी है, लोकतंत्र की आजादी, गदर 2 से आपको दिक्कत है क्या? मोदी जी ने बैन लगा रखा। शकीना क्यों लेके आनी है? महिलाओं के प्रति क्यों ऐसा? मैं कौन सी महिलाओं के प्रति क्यों ऐसा? मर्द नहीं पैदा होते, मर्द हिंदुस्तान में होते हैं। दिल्ली के दीपक को कहां मिलेंगे? दिल्ली के दीपक को सब चाहते हैं। अब दिल्ली के दीपक तो एक ही है भैया, कहां जाएंगे? हिंदुस्तानी में मर्द पैदा होते हैं, इसलिए ढूंढते हैं वो मर्द। और आपने गाजा पट्टी का क्या होने वाला? मैं ये होने वाला गाजा पट्टी का, पट्टी उसकी निकलेगी, ऐसी पट्टी निकलेगी ऐसे, एक बार पुतिन की रेल जान दो अंदर गाजा पट्टी के। कहा? ऐसी रेल बनाएगा कि जो गोला में वो भेजने को सोच रहे वही गोला में खुद चले जाएंगे। ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला, क्योंकि वहां का जो प्रधानमंत्री ना राष्ट्रपति, क्या नाम है उसका?
क्या व्लादिमीर पुतिन? नहीं नहीं नहीं, वो है नितिन नेतन्याहू। नितिन अच्छा याहू याहू, अरे भाई इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन है या कोई सा भी मेन है, वो मोदी का दोस्त है। क्या मोदी के दोस्त? और जो मोदी का दोस्त है ना, जीत उसी की होगी। और अमेरिका की शिप पहुंच गई है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। क्या लड़ाकू विमान लेके पहुंच गई है, और सुनने में आया उसमें दो भगवाधारी भी है। क्या इंडियन आर्मी के उसमें जवान भी, एयरफोर्स के। और जैसे ही उस टाइम पे वो कहेंगे ना हर हर महादेव, तो उसके बाद वो कहेगा ओ माय गॉड आई हैव विन दिस वॉर नरेंद्र मोदी, आई हैव योर बिग थैंक यू। और उसके बाद वो जो एएमयू में कह रहे हैं ना ऐसे करके आई लव फिली फिली कह रहे हैं ना, फिली फिली नहीं, मैं पूरा नाम नहीं लूंगा, तुम लोग मीम बना दो, हट। आई लव फिली फिली कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे कर रहे होंगे अरे कय्यूम तेरे को भी बवासीर हो गया क्या, दो दिन रुक जाओ, तीन दिन रुक जाओ, इस देश में अब की बारी दिवाली में इजराइल का जश्न मनाया जाएगा। क्या इजराइल का जश्न? इजराइल की जीत का, क्योंकि सत्य हमेशा जीतता है। और अधर्मी अधर्मी लोगों का नाश हुआ है, जिन्होंने माताओं बहनों को निर्वस्त्र करा है, जिन्होंने माताओं। काल में एक बारी सभी से एक सवाल कर लेता हूँ, चीज पूछना चाहता हूँ, जो जेएनयू एमयू के जितने भी छात्र हैं, ये कोई भी आतंकवादी हो, दंगाई हो, कोई भी हो, सिर्फ इनके मजहब का होना चाहिए, ये अपना बाप बना लेते हैं उसे, ठीक है। अतीक अहमद को बाप बना लिया, कहते थे हमारा बाप है, अब हमास को। मैंने एक मुस्लिम भाई से पूछा यार क्यों सपोर्ट कर रहे हो, वो तो आतंकवादी है। कह रहे भाई ऐसी बात है, क्योंकि जो भी हमारे धर्म को होना चाहिए, चाहे वो गलत करे चाहे सही, हम उसको अपना बाप बनाते हैं। तो भाई एमयू जेएनयू से हमें यही स्वीकार है कि वो यही करेंगे, उनकी पैदाइश इसीलिए यही हुई है। और जहां तक आप गाजा पट्टी की बात कर रहे थे कि गाजा पट्टी में क्या होगा, देखिए वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक पे पूरा कब्जा इस समय आतंकवादियों का, हमास का। और गाजा पट्टी पे फिलिस्तान की कोई सेना नहीं है ना कोई आर्मी है, ठीक है, वो चलाता है आतंकवादी। अगर आतंकवादी आके यरूशलम पे अपना हक जमा रहा है और उनके धार्मिक स्थल को तोड़ने की बात कर रहा है, तो क्या इजराइल वहाँ पे हाथ जोड़ के बैठा रहेगा? इजराइल का यही काम था कि उसको जवाब देना। और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, जो ईरान है, एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, एक आतंकवादी संगठन पे हथियार कहाँ से आ रहे, इतने बड़े बड़े रॉकेट कहाँ से आ रहे, क्यों आ रहे पता है? ईरान, ईरान इनका जितना मुस्लिम कंट्री है उनका गुरु है, वो लीड करता है और बैठक बुलाई। तो ईरान जो है वो मानवतावाद का दुश्मन है, ईरान को सिर्फ जवाब देना है। और उसके जितने भी कतर फतर, जितने तुर्की टर्की हैं, इनको ये सिर्फ इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है, और कोई दिक्कत नहीं।